अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तबीयत सेहत ठीक है? वो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर इस दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा, और जीने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, और कुछ खाने के लिए ज़रूरी है कि बंदा ख़रीदारी करे। और कनाडा में ख़रीदारी करने के लिए, ख़ास तौर पर ग्रॉसरी करने के लिए, ये सोचा जाता है कि जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो हलाल होनी चाहिए। तो आज हम जा रहे हैं एक देसी स्टोर है खिचकी, उस पर तो आइए आपको भी सैर कराते हैं। फिश ये सलीम मलिक साहब हमारे साथ हैं, तो ये अपने जुस्से के हिसाब से खाना पीना वहाँ देखेंगे। तो मैं देखूँगा कि मैं अपने जुस्से के हिसाब से क्या लेता हूँ और ये क्या लेता हूँ। क्या बात है सर, ये अच्छा है, स्टोरों ने बाहर जो है वो रखा हुआ है। हाँ तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, समझ आइए। अब यूँ समझ लो कि ये जो है ना, ये अब सारी ज़िंदगी के लिए ये फिक्स हो गया। चाचा जी मास्क बड़ा आपने को जो है ना फैंसी पहना हुआ है। चाचा ये मास्क चाची का है तुम्हारी, चुप। ये अच्छी बात है, चाची का पहन लो लेकिन मास्क के बगैर ना हो, ये बड़ा अच्छा है। कैसे जी, चाची सारी गल नहीं तुसा करेंगे हो। अच्छा मेरे को ये दसो क्या क्या गिनने हुण? स्टोर दी जान गिननी है। स्टोर दी जान गिननी है? जी हाँ। वैसे तो आपको देख के उन्होंने जान पहले निकल गई हो सी कि यार ये बंदा आ गए हैं। बस चाची है कि था मेरे हाल में गोश्त गोश्त कह रही हैं। चाची गोश्त अच्छा बता दियो ना भाई, वो जेडी शायद गिनसी आक्सी परफेक्ट। हाँ एक सब बेनी दीका दीका ही नहीं कंप्यूटर। तो सब सोना गिन के चले वंजो, उन्हें तो नक लगवाया वासी भी फलाने का नुकर इस तांबा लगवाया। ये होना अपने जाति पैगाम ना दे हो इतना। तो सब अपने हाथ हवाना करने लग गए हो। इनकी लड़ाई वाली लड़ाई वाली क्या? कितना? ये सर मैं अभी यहाँ देख रहा था, तो वी कैन कंटिन्यू। ये सर ये देखें पाए यार, तो पेट में वो ये जरा ये मछली का साइज चाहिए, ये देखो ना। हाँ यार तुम तो मछली भी कह रहे थे, लेनी है तो उठाओ यहाँ से मछली। ओ भाई नहीं अंकल, यहाँ वो वाली नहीं पड़ी जो हमें चाहिए। हाँ अन्य हम फ्रेश को भी तो फिर जा ही रहे हैं ना, हमें ये मच्छी महंगी होती है सही। अच्छा ये सर ये देखे ना, ये $79 की है, ये बड़ी फिश है, पूरी महंगी पूरी फिश है ये। या मच्छी है नहीं, ये सर आधी है आपके साइज की है ये? नहीं नहीं पूरी है, ये फुल मच्छी है। सर वो सही है, महंगी भी होती है ते। हाँ टेस्ट तो पता नहीं मेरे को, महंगी जरूर होती है। अच्छा यहाँ सीरियां भी पड़ी हैं? हाँ सीरियां भी पड़ी हैं। अच्छा सबसे अच्छी बात है कि ये सारा कुछ हलाल है। हाँ जी बता है। बिस्किट यहाँ पड़े हैं ना? हाँ, ये इधर आ जाए। ये रहा ना वो केक रस रेड वाला, केक रस ये ग्रीन वाला ले गया हूँ ना, ग्रीन वाला रेड वाला। हाँ ये रेड वाला केक रस ठीक है। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਦੀ ਕੇਕ ਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂੜੀ ਮਤ ਤੰਗ ਦੀ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਗਿਨੋ
केक रख जी सर, हो गई शॉपिंग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शॉपिंग हो गई। जो यहाँ से लेना था वो ले लिया, यहाँ से गोश्त लेना था गोश्त ले लिया, कुछ केक रस लिए हैं, बिस्कुट लिए हैं। क्या बात है, पार्टी का माहौल लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, और वो निकू के लिए ये भी लिए हैं। क्या बात है, ये बात जी सर, ये बताएं सर हम कहाँ आए हैं। हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ कनाडा में अक्सर ये होता है कि कुछ लोग जो है ना अपने घरों में, अपने गैराज में जी, जो उनकी फालतू चीज़ें होती हैं, कुछ अरसे बाद वो गैराज सेल के नाम से वो उन चीज़ों को अपने गैराज में लगा देते हैं। जैसे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये ज़्यादातर कुछ इनमें इस्तेमाल शुदा भी होती हैं, कुछ घर में जो नहीं होती हैं। और कब ये भी होता है कि बाहर का कोई गिफ्ट ऐसे आते हैं जो अपने इस्तेमाल के नहीं होते, वो गैराज सेल में लगा देते हैं। तो यहाँ से लोग आके ये देखे ना, ये बैग, बैग और ये देखे ना, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं उधर। लेकिन ये मेरा ख्याल में अच्छा आइडिया है कि अगर आप कोई चीज़ अच्छी कंडीशन में और आप यूज़ नहीं कर रहे, हाँ, तो किसी के काम लग जाए तो मेरा ख्याल में अच्छी बात है। हाँ, तो फिर वो मुनासिब दाम में दे देते। ये लगता है आपने गैराज सेल से लिए हैं। ये दोनों गैराज सेल से लिए हैं, ये एक पेंटिंग है और ये एक दफ़ा सैनिटाइज कर लें, ये सैनिटाइजर रखा हुआ है यहाँ पर। जी जी, ये रखे इधर। फिर भी एहतियात नबी से ना थोड़ा अलग रख लेंगे। हाँ जी, पेंटिंग बड़ी आला है सर। अच्छा, इसको उस जगह से करते हैं ना जहाँ से हाथ लगते हैं ना। हाँ जी, तो वहाँ से उसमें दो फायदे हैं ना, साफ भी हो जाएगी, ये मुझे दे देना भी हो जाएगी, हाँ, ताकि आसानी से कर लें। हाँ जी, तो ये पेंटिंग अच्छी है, कमाल है, ये किचन में लगे पेंटिंग आया आया आया। अब ले चले अंदर ये। हाँ जी, लो जी, आज का जो विजिट था पहले हम खुशी गए, वहाँ से हलाल मीट मिलता है, हलाल चिकन मिलता है, हलाल बीफ मिलता है, तो वहाँ से गोश्त जो लेना था वो लिया। उसके बाद फिर हम रास्ते में फ्रेशको गए, फ्रेशको से चीज़ें ली, और फिर जनाब हमने ये गैराज सेल से ये पेंटिंग ली। तो ये आज का हमारा टूर रहा। तो इंशाल्लाह अगले किसी विज़िट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।